राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर द्वारा 4 नवंबर से बहिष्कार अभियान को तेज किया गया। संपूर्ण राजस्थान में ऋण वसूली एवं ऋण वितरण को शून्य पर रखना प्रथम प्राथमिकता देते हुए कार्य को गति दी गई। सहकार कर्मियों ने एकजुटता का परिचय देकर ऋण वसूली एवं ऋण वितरण तथा समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य का बहिष्कार करने से ऋण वसूली एवं ऋण वितरण तथा खरीद का काम अटका रखा है। संपूर्ण राजस्थान में समितियों के द्वारा नहीं की गई खरीद। जागत है सो पावत है, सोवत है जो खोवत है, इसी नारे को लेकर चलते हुए पिछले दिनों से संपूर्ण राजस्थान में ऋण वसूली एवं ऋण वितरण के साथ साथ समर्थन मूल्य पर फसल खरीद कार्य का बहिष्कार अभियान सहकार कर्मचारियों द्वारा लगातार चालू है। ऋण वसूली एवं ऋण वितरण तथा नए पंजीयन का रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने हेतु बार बार प्रदेश संगठन के द्वारा अपील की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे सहकार कर्मचारियों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते इस कार्य को बड़ी रुचि के साथ किया जा रहा है, जो सहकार कर्मियों के बहिष्कार अभियान को असफल करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। समय समय पर सहकार कर्मियों को प्रदेश संगठन के द्वारा दिशा निर्देशों के माध्यम से अवगत करवाया जा रहा है। साथ ही राजस्थान सहकार कर्मचारी संघ जयपुर ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि इस बहिष्कार अभियान में जिन साथियों के द्वारा असहयोग किया जा रहा है उनसे आग्रह है कि जो ऋण वसूली एवं ऋण वितरण का कार्य कर रहे हैं इसको बंद करें और साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में अपना अमूल्य सहयोग वे कीमती समय देकर आने वाले दिनों में इतिहास के साक्षी वे गवाह बनने में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। नंदलाल वैष्णव प्रदेश अध्यक्ष, नंदाराम चौधरी प्रदेश महामंत्री, हनुमान सिंह रजावत प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर, आरपीडी न्यूज राजस्थान।